मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा, मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा, क्या थे मेरे गुनाह क्या थी मेरी खता, मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा, मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा, क्या थे मेरे गुनाह क्या थी मेरी खता, मेरे हालात ये क्या हुए है खुदा। बनारसी ये लीजिए, एकदम स्पेशल माल तैयार करके रखा है और वो अभी फोकट में। फोकट में क्या बात करता है बनारसी बाबू, अरे फोकट में तो तू अपनी परछाई भी ना देखी। क्यों? हाँ, हम तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो 90 से 150 ग्राहक बना चुके हैं अब तक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 200 से 400 बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बनारसी बाबू। और हाँ, हमने हर स्कूल और कॉलेजों में अपने लड़के वड़के छोड़ रखे हैं और वो लोग सीधे साधे मासूम लड़के लड़कियों को अपना दोस्त बनाकर उन्हें नशा करने पर मजबूर करेंगे। अब सुनो बनारसी बाबू, जिसे इस नशे की आदत एक बार लग जाती है ना, फिर छूटती नहीं है। अरे स्कूल और कॉलेजों में तो ये नशा जंगल की आग की तरह फैल रही है और हमारे यहाँ नोटों की बारिश हो रही है। पैसा निकाल। सुना तेरा धंधा बहुत चलता है, कितना कमा लेता है रोजाने का, चल रोकड़ा निकाल, रोकड़ा निकाल। सारा पैसा तो सानिया मैडम ले गई मालिक। चल चूड़ियां पहनने वाले हाथ भाईगिरी नहीं करते हैं, बल्कि बियर बार में दारू बेचते हैं। आज के बाद तू जितनी कमाई करेगा राजन भाई के लिए करेगा, वरना मारूंगा यहां और शोर सुनाई देगा दिल्ली की पार्लियामेंट में। क्या हुआ भाई? पकड़ो साली को! अरे यार मारा। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर वन। बहुत तेरी की Yeah!
लौट गए सब, वरना सोनिया मारती यहाँ है और बॉडी जाके शमशान में गिरती है। लगता है इतिहास के पन्नों से निकलकर महारानी लक्ष्मीबाई खुद मुंबई आ गई हैं। तुम्हाला कुठली चटणी पाहिजे जी? अरे कुठली चटणी पाहिजे तुम्हाला जी? मैं समझा नहीं। मीठी चटणी चाहिए या तीखी चटणी चाहिए जी? दोनों डाल दीजिए। दोनों पाहिजे का?
एक है, तुम्हारा क्या भेजे भाई साहब? ये तो बिल्कुल ठंडा है। अरे अभी अभी तो गरम निकाला है रे, ज्यादा गरम खाएगा ना तो मुंह जल जाएगा। जा उधर बैठ के खा ले जा। बोला बाबू, ये समोसा दो। समोसे का मुझे भी दो। तुम्हारा क्या भेजे? ए वड़ा पाव देना। एक है, ये पैसे लो। तुम जाओ ना दे। अरे दो भाई साहब, एक ग्लास पानी का मिलेगा? अरे तू कहीं माजा जावाई है इसका, जो पानी मांग रहा है उधर पानी का टाकी रखा है, जाके पानी पी ले चल। कुठन कुठन रहता गाड़वे। ए पैसे तो निकाल। भैया पैसे तो मैं आपको दे चुका हूँ। अरे पैसे दे चुका है बोलता है? अबे तेरे 10 रुपए से क्या मैं शॉपिंग सेंटर बनाऊंगा? पैसे निकाल। देखिए भैया मैं सच बोल रहा हूँ, गंगा मैया की कसम मैं आपको पैसे दे चुका हूँ। अरे एक तो पैसे नहीं दिया है, ऊपर से जबान लड़ाता है। तुम साले बेरोजगार, अपना घर छोड़कर मुंबई में काहे को चले आते हो पता नहीं? क्या हो रहा है? एक ईंट उठाओ तो दूध वाला निकलता है, दूसरी ईंट उठाओ तो अखबार वाला निकलता है। अनाथ आश्रम बना दिया है आमची मुंबई को। निकाल पैसे निकाल। अरे भैया मैंने बोला ना मैं आपको दे चुका हूँ। अबे साले कमीने, झूठ बोलता है। पैसे निकाल। क्या कर रहे हो भाई, जान लोगे इसकी? इसकी आंखें बता रही लड़का सही बोल रहा है भाई। अरे भाई साहब मैं कोई कवि नहीं हूँ जो इनकी आंखें पढूं, मैं धंधे वाला हूँ, धंधा करता हूँ। भैया झूठ को भी अगर जोर जोर से चिल्ला कर बोलो ना तो वो भी सच लगने लगता है। ये लीजिए आपके 10 रुपए, लेकिन अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कीजिए। ए भैया सही बोल रहा है, 10 रुपए को जेब में रखो और गुस्से को काबू में रखो। दरअसल गुस्सा ही है जो भाई के हाथों भाई का खून करवा देता है। दुनिया में जो भी जंग हो रही है वो गुस्से की वजह से हो रही है। अगर दुनिया में अमन और शांति चाहिए तो गुस्से को काबू में रखो, सब सुकून हो जाएगा। अमन रखना है ना दुनिया में। चलो चलो बेटा, चल चल चल। तो नए आए हो इस शहर में? जी हाँ, मेरा दोस्त शेखर भी इसी शहर में रहता है। पता है उस जगह का? नहीं पता तो नहीं है। बिना पते के शहर में किसी को ढूंढना ऐसा है जैसे किसी गंजे के सर पे बाल ढूंढना। लेकिन मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसे मुंबई में सब जानते हैं। कितना अमीर है? जितने तुम्हारे गांव में मकानात है ना उन सबको बेचोगे तो भी इस मकान का एक फ्लैट नहीं मिलेगा। वो बिल्डिंग देख रहे हो, इसका एक एक फ्लैट 10-10 करोड़ का है। 10 करोड़ का फ्लैट, 8 करोड़ की सजावट, मतलब ये सजावट ज्यादा है यहाँ, रिश्ते कम है। अब सजावट की दुनिया में रिश्ते कहाँ से मिलेंगे दोस्त? इसका मतलब है मुझे मेरा दोस्त नहीं मिलेगा? हाँ अगर किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएगा। यहाँ इलाका है एक जोगेश्वरी, वहाँ यूपी बिहार के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। कोशिश कर लो, ये वहाँ से तुम्हें जोगेश्वरी की बस मिलेगी, उसमें बैठ जाओ, पहुँचा देगी। जी धन्यवाद। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे अरे क्या कर रही है? अरे मारे अरे यार तेरी आंखें हैं या बटन, तुझे दिखता नहीं क्या? अरे राजा तुम खामखा नाराज हो रहे हो, वैसे गांव की सड़कें कुछ ऐसी है कि कभी कभार बैलेंस बिगड़ जाता है ना, और वैसे भी मैं तो साइकिल सीख रही हूँ और सीखते सीखते एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं ना। सॉरी। मगर तेरे साइकिल सीखने ने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तू तो अच्छी तरह जानती है कि मुझे देखते ही पिताजी का बीपी हाई हो जाता है, और इस सब के बाद आज तो मुझे मार ही डालेंगे। देखो कल से तो मुझे साइकिल सिखाना शुरू कर दो, फिर कोई मुसीबत नहीं होगी। तुम सिखाओगे ना? दूर रहो मुझसे। अच्छा बाबा सॉरी, माफ कर दो। तुम्हें तो माफ कर दूं मगर मेरा क्या होगा? क्यों? पिताजी मुझे माफ नहीं करेंगे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये क्या है बेटा, ये 50 किलो की बोरी 25 किलो कैसे हो गई? ये तुम रोज रोज गलतियाँ क्यों करते हो? तुम्हें बाबूजी से डर नहीं लगता है? अरे माँ ये सब नेहा की वजह से हुआ, वो वहाँ पे साइकिल सीख रही थी और मेरी साइकिल को टक्कर मार दी, साइकिल गिरने से ये हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? आ बैठ।
एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चला जा। तेरे बाबूजी, तेरे दादाजी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए हैं। मैं बात को संभालने की कोशिश करती हूँ। ये लीजिए आप। ए शेखर, मेरे दोस्त, मेरे यार आ गया मुंबई से। अरे राजा, आ जा राजा, ले मिठाई खा तू भी। अरे मिठाई तो खाता हूँ, लेकिन मैंने सुना है तूने मुंबई से आते ही ठाकुर साहब का 10 बीघे का बगीचा खरीद लिया। अब सुना है तो ठीक ही सुना होगा, वरना मैं ऐसे थोड़ी ना मिठाई खिलाने वाला हूँ। अरे लेकिन मेरे यार, ये सब हुआ कैसे? इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? खोपचे में आ। मेरे साथ इधर बैठ। राजा, याद है तुम्हें जब बचपन में मास्टर साहब पढ़ाते थे कि जब जहांगीर ने कश्मीर को देखा तो उसने कहा, अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यही है, और सिर्फ यही है। वैसे ही आज मैं बोलता हूं, मुंबई अगर दुनिया में कहीं पैसा है तो वही है और सिर्फ वही है। इसका मतलब है मुंबई में बहुत पैसा है। बारिश होती है यार, बारिश झरझर झरझर झरझर। अब मुझे ही देखना, कितना जल्दी कितना अमीर बन गया साला। तेरे पास तो गाड़ी भी होगी। एक गाड़ी हो तो बताऊं। गाड़ी मेरे पास तो राजा, गाड़ी ही गाड़ी है। इधर गाड़ी, उधर गाड़ी, चारों तरफ मेरे गाड़ियां ही गाड़ियां। नौकर, चाकर, बंगला। मेरे बारे में किसी से पता पूछ मुंबई में, वो सीधा लेके तुमको मेरे पास आएगा। इतना मशहूर आदमी हूँ मैं मुंबई में। अच्छा खैर, जाने दे, हम ये कहें बोलने लगे। ये बता कि अपना क्या प्रोग्राम है? अब तो मुंबई का इतना मशहूर आदमी है तो मुंबई में तो तूने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे। देखे तो है। आज तू अपने गांव का प्रोग्राम देख। अच्छा, नौटंकी? सच्ची? धमाल ही धमाल। होश उड़ाने आई हूँ मैं, होश उड़ा के जाऊंगी, सबके दिलों पे राज करूंगी, ऐसा जाल बिछाऊंगी। बेवजह है यूनामा दिखे नैनों के पास, होश उड़ जाएंगे जाने मन पातुमा। माफ करना हुजूर, हो गया जो कुसूर, दिल धड़कने लगा आपका ऐसा नूर। तेरी मर्जी अगर है यकी है सनम, हम भी तैयार है तेरे सर की कसम।
तेरी मर्जी अगर है यही है सनम, हम भी कहीं और है तेरे सर की कसम। तेरी मर्जी अगर है यही है सनम, हम भी कहीं और है तेरे सर की कसम। क्या मजा आया, क्या गाना था यार। अच्छा राजा, देख मैं कल 8 बजे गाड़ी से चला जाऊंगा। जब भी तुम मुंबई आओ मुझे बता दो। मैं जितना दिन गांव में रहा तेरे साथ में खूब मजा किया यार। अभी मुंबई में तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे। क्या हुआ, तो चुप कहाँ है, कुछ बोलता कहीं नहीं? दिल बहुत उदास है यार। तू चला जाएगा, मैं इस गांव में फिर अकेला हो जाऊंगा। तू जब जब अकेला होगा ना समझ लेना मैं तुम्हें तो मुंबई में बहुत याद कर रहा हूँ। बहुत रात हो गई, मैं चलता हूँ। बाय शेखर, एक बार गले तो मिल यार, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। हे राजा, हे मेरे दोस्त, तुमको जीवन में बहुत काम करना है रे, बहुत काम। कमजोर नहीं होना। बाय, अपना ख्याल रखना। दादाजी, आप अभी तक सोए नहीं? नींद आंखों को आती है बेटे। जिस घर का जवान बेटा आधी रात तक बाहर रहे, उस घर के बड़े बुजुर्गों की आंखें भी बाहर ही रहती हैं। फिर भला नींद कैसे आ सकती है? मैंने तेरे लिए बहुत ख्वाब देखे हैं बेटा। जानता है बेटा, जब मैं खेती करता था ना, तो गांव की पगडंडी पर कभी कभी आर्मी के ट्रक आते थे और कभी कभी कोई पुलिस की जीप भी वहां से पास होती थी, तो लोग उन्हें सैल्यूट करते थे। और जब लोग उन्हें सैल्यूट करते थे तो मेरी आंखों के सामने तेरा चेहरा आ जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग तुझे सैल्यूट कर रहे हैं। राजा बेटे, मेरे मरने से पहले तू मेरा सपना पूरा करेगा ना? करेगा ना बेटे? हाँ दादाजी, मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। आप वो दिन जरूर देखेंगे जब सब लोग मुझे सलूट कर रहे होंगे। अबे ओए लफंगे, कहाँ जा रहा है? अबे कब तक छुपाएगा अपने आप को बाप की नजरों से? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी इन हरकतों से। औलाद पैदा होते ही मर जाए तो एक दुख, जवान होके मरे तो दुगना दुख, और अगर औलाद तेरे जैसी नालायक पैदा हो जाए तो जिंदगी भर का दुख। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा, आंखें निकाल दूंगा तेरी। बता रात भर कहां था तू? बोल, रात भर कहां था तू? इसे मत मारिए। हट जा सामने से। नहीं नहीं। अरे ऐसी औलाद पैदा करने की बजाय बांज रह जाती तो अच्छा था। नहीं नहीं, आप इसे गुस्सा मत कीजिए। पैदा होते इसके गला घोट देती। आप अंदर चलिए। अरे हट जा मेरे सामने से। बोल बोल कहां गया था तू? अरे तू बाप है ये राक्षस, इतना मारेगा तो मर जाएगा ये। मरता भी तो नहीं है ये, एक बार मर जाए तो रो लूंगा, रोज रोज का रोना तो खत्म हो जाएगा। अगर ये मर गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। बाबू, तेरी इसी बात ने इसको सर में चढ़ा रखा है। मैं कहता हूं जो आपने इसके लिए सपने देखे हैं ना, याद रखना, एक दिन ये लड़का हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा, लोग थू थू करेंगे हमारे ऊपर। बाबू अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं इसे अपने ही हाथों से जहर देकर मार डालो, मार डालो इसे। ये तो ऐसे बकबक करता रहता है, कुछ भी बोल देता है।
तू इसकी बातों पर ध्यान मत देना बेटा, तू कॉलेज जा, कॉलेज जा बेटा। राजा राजा I'm really sorry ना तुम्हारी साइकिल मेरी साइकिल से टकराती और ना ही ये सब होता, ये सब नहीं। नेहा तुम्हें अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है, मेरा तो बस नसीब ही कुछ ऐसा है। तुमने वो शेर तो सुना ही होगा, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में बस रोना था। अपने नसीब को ऐसा मत कहो राजा, इस नसीब के साथ किसी और का भी नसीब जुड़ा हुआ है। देखूं तो ऐसा लगता है मेरी हीरो है मेरी लैला है, और तुझे देखूं तो ऐसा लगता है मेरी हीरो है मेरी लैला है, दुनिया में है यूं तो लाखों हसी, होए दुनिया में है यूं तो लाखों हसी, है तेरे जैसा कोई नहीं। तू ही तो मेरी जान सोनिया, तू ही तो मेरा प्यार सोनिया, तू ही तो मेरी जान सोनिया, तू ही तो मेरा प्यार सोनिया। अबे चलना, हट रहे भैया, कब से लाइन में खंबे के माफी खड़ा हुआ है, चल हटना, चल हट। चलो चलो लोकर लोकर लोकर। चला चला बसा 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 लोकर। हाँ कुठे जायचं आहे? एक ओशिवारा देणार। हाँ दे। कुठे? एक बहरमबाग। बहरमबाग? चला। जोगेश्वरी 100 रुपए? 10 रुपए का छुट्टा दो, 100 रुपए का छुट्टा नहीं है मेरे पास। जी अरे 100 रुपए का छुट्टा नहीं है, 10 रुपए छुट्टा दो। भैया मेरे पास छुट्टा नहीं है। भैया मैं? भैया तू? भैया तेरा बाप? ए मैं मुंबई का मानूस है, हाँ मुंबई में पैदा हो गया हूँ, मुंबई में पढ़ा हो गया हूँ, मुंबई में पढ़ा लिखा हूँ मैं, हाँ
अरे देख देख, तू मेरे को भैया बोला ना, मैं तेरे को इतना मारूंगा इतना मारूंगा, अपने बाप का भी नाम भूल जाएगा। हा? तुम ये जो तुम लोगों की वजह से है ना, ये आम लोगों को ट्रेन में बस में जगह नहीं मिलती है, ऐसे बेकार के लोगों ने है ना ये मुंबई को कबूतर खाना बना के रखा हुआ है। ये क्या देखता है, क्या देखता है, काय पकते सुमा जगड़े। हाँ चल चल, छुट्टा निकाल जल्दी। मैंने कहा है ना मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे मैंने बोला ना छुट्टा निकाल। अरे क्यों टाइम खोटी कर रहा है, नीचे फेंक इस भैया को, तंग आ गए इन भैया लोगों से। महाराष्ट्र सरकार को BST का नाम बदल कर भैया ट्रांसपोर्ट रख देना चाहिए। इन साले भिखारियों को मार मार कर भगाना पड़ेगा मुंबई से। चल नीचे उतर। लेकिन मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना। तो 10 रुपया छुट्टा किधर है? हाँ तो आप 100 ही रख लीजिए। ये मेरे को भिखारी समझाए क्या? चाहे चल नीचे उतर, चल चल नीचे उतर, चल 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 नीचे उतर, चल चल चल। आप तमीज से बात कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। ये कानून गलत है। हाँ, आप किसी को भी ऐसे धक्का नहीं दे सकते। भैये तू मेरे को कानून सिखाएगा? ये चल नीचे उतर, चल। ए शियाने, जान ही देनी है तो मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आ रहा है? और भी बहुत सी गाड़ी है, उनके नीचे जाके मरना। ए, तुम वही हो ना जिसे उस दिन VT स्टेशन के पास देखा था? और आप अनजाने में अपना रुमाल वहीं छोड़ आई थी। दूसरों की चीजें बड़ी संभाल के रखते हो। अमानत तो अमानत होती है ना, जब तक लौटाना दो दिल को सुकून नहीं मिलता। बस वाले ने तुम्हें धक्का देकर क्यों बाहर फेंक दिया? वो मेरे पास छुट्टा नहीं था। ये पत्थरों का शहर है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। कहाँ जाना है तेरे को? जोगेश्वरी। आओ बैठो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। ये ले, जोगेश्वरी आ गया। कहाँ जाना है जोगेश्वरी में? एड्रेस तो मालूम नहीं, एक दोस्त को ढूंढना है। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। धन्यवाद भाई साहब। आप शेखर को जानते हैं? मैं किसी शेखर को नहीं जानता। कमाल है। अरे भाई साहब, आप शेखर को जानते हैं? वो यही कहीं रहता है। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम आपको? अच्छा। अरे जाने क्यों नहीं दे रहे यार, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे बहुत जल्दी है। आपको जल्दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, जब तक मेरी कौशल साहब से इंटरकॉम पर बात नहीं होगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। देखो, तुम 2500 की पगार पाने वाले वॉचमैन हो, मैं कौशल बाबू से बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? अरे भाई, हमको निकलवा दीजिएगा, हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे मुझे? अरे नहीं जाने देंगे। शेखर, अबे ओए साले। अरे राजा, अरे तुम कब आए? अरे तुमको भी यहाँ किससे मिलने जाना है? और तुम किससे मिलने आए थे? हम तो कौशल साहब से, जिससे कहकर वो आदमी तुम्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रहा था। राजा, अब क्या है कि राजा शेखर, जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते, और ना ही ये उन कपड़ों की तरह होते हैं जिन्हें इंसान जब चाहे बदन से उतार कर फेंक दे। तेरे और मेरे बीच में बचपन की दोस्ती का रिश्ता है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे लिए रिश्ता भी जिंदा रहेगा। हाँ, तेरे लिए मजाक हो सकता है क्योंकि तू मुंबई में रहने लगा है राजा, मगर हम गाँव वाले रिश्तों के लिए जान भी दे देते हैं, और ये तो अच्छी तरह जानता है। राजा देख, मुझे माफ कर दे यार, मेरे साथ था, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था गांव में राजा, यहाँ हमारे पास
आसपास गाड़ियां तो हैं लेकिन हमारी नहीं है, दूसरे लोगों की है। इनकी सफाई करनी पड़ती है हमको, इनकी रखवाली करनी पड़ती है। यहाँ जो झाड़ू लगाता है ना, वो गांव में जाकर अपने आप को ग्राउंड इंजीनियर बताता है। राजा, हम गांव से बहुत बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आते हैं, लेकिन जैसे समुद्र की लहरें किनारों से टकरा कर वापस बिखर जाती है, वैसे ही गांव से मुंबई आने के बाद हमारे सपने जर्रा जर्रा होकर टूट जाते हैं। आप जानते हैं, ऑफिस में यहाँ नौकरी करने के लिए भी, ऑफिस बॉय बनने के लिए भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, इंग्लिश जानने की जरूरत पड़ती है। हमारे नेता लोग बोलते हैं हिंदी पढ़ो, इंग्लिश किताबें जला डालो। परिणाम क्या होता है, बी कॉम एम कॉम करने के बाद भी लोग इंग्लिश में अपना नाम तक नहीं लिख सकते। इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है। मुंबई आने के बाद एक बहुत कड़वी सच्चाई से सामना होता है राजा, और फिर उसी को जिंदगी मानकर जीना पड़ता है। खैर छोड़ो, लेकिन तुमने अपने आने की खबर तक नहीं की, तुम अचानक कैसे आ गए? ये आपने ठीक नहीं किया दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो जानते थे कि यहां आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जब मैं पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनूंगा और लोग मुझे सैल्यूट करेंगे तो आप देखने के लिए नहीं होंगे। आपने मेरे साथ धोखा किया है दादाजी। जाने से पहले कम से कम एक बार गले तो लगा लिया होता। हमेशा की तरह माथा तो चूम लिया होता दादाजी। तुम्हारे दादा के साथ साथ उनका सपना भी चल गया जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखा था, लेकिन मैं सपने नहीं देखता, हकीकत में जीता हूं। और बेटा, हकीकत यह है कि हम लोग किसान हैं और हमारा काम है खेती करना। बेटा, तुम्हारे दादाजी खेती करते थे, मैं भी खेती करता हूं, और तुम्हें भी खेती ही करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, अब ये तुम पुलिस में और फौज में भर्ती होने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, मुझे ऐसे मत देखो। सोसाइटी के ऑफिस में जाओ, वहां से खाद की बोरी लो और खेत में पहुंचो, वहां पर गन्ना बोया जा रहा है। Really very sorry. अरे कैसी सॉरी, कौन सी सॉरी, तू हमेशा मुझसे ही क्यों टकराती है? सॉरी राजा, वैसे मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी और तुम यहाँ रस्ते में मिल गए। वो क्या है ना, घर वाले मेरी शादी की बात पक्की कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी हो रही है। राजा, तुमने कभी भी मेरी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की है, इनमें सिर्फ एक ही चेहरा रहता है और वो है तुम्हारा। नेहा, इस चेहरे को आंखों से निकाल दो, वरना तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। याद है नेहा, बचपन में बारिश के पानी में हम कश्तियां बनाकर छोड़ते थे, तुम्हारी कश्ती हमेशा पार निकल जाती थी और मेरी कश्ती हमेशा डूब जाती थी। लेकिन राजा, मैं तुम्हारे बिना
डूबने वाली कश्ती में बैठने की कोशिश मत करो नेहा, मत करो। हे भगवान, इतने छोटे से काम के लिए इतनी देर लगा दी इसने। ये नाकारा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। पिताजी मैं आ गया। है? ले आया। अरे वाह, अरे आ गया तू? जी। अरे कहाँ रह गया था इतनी देर तक? ये क्या है? अरे खाद का है। ये खाद की बोरी खाली कैसे हो गई? अबे ओए निकम्मे, रस्ते में पड़ोसी के खेतों में खाद डालता हुआ आ रहा है क्या? पिताजी मैं तो भरी हुई बोरी लेकर आया था, पता नहीं कैसे हो गया। अबे ये खाली कैसे हो गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? पिताजी वो अबे ओए निकम्मे, ये खाली बोरी लाने के बजाय कुछ लकड़ियां ही ले आता, मैं इसी खेत में तेरी चीता तो जला देता। आज तो मैं तुझे इसी खेत में गाड़ दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। बोल कब तक मेरा खून पिएगा? पिताजी मेरी बात तो सुनिए। कब तक मेरा खून पिएगा? कब तक मेरा खून पिएगा? अब तू ही बता मैं तेरा क्या करूं, क्या करूं तेरा मैं? पिताजी मत मारी। ठहर, भागता कहाँ है? कब तक भागेगा नकारे? बस उसके बाद जहां मेरे पैर रुके वहां मेरी आंखों के सामने स्टेशन था। फिर पता नहीं कैसे मैं ट्रेन में चढ़ गया और यहां मुंबई पहुंच गया। कोई बात नहीं, अब तो तू यहां आ ही गया है ना, मैं तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सामने वाली बिल्डिंग में एक वॉचमैन की पोस्ट खाली है, मैं तेरे लिए बात कर लेता हूँ। चल। तो कैसी बात कर रहा है शेखर? क्या हुआ? मैंने दिन रात इतनी मेहनत करके कॉलेज तक की पढ़ाई वॉचमैन बनने के लिए की थी। मैं वॉचमैन का काम नहीं करूंगा शेखर, मुझे दादाजी का सपना पूरा करना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। ये सपने वो अपने भूल जा राजा, काम छोटा नहीं होता। ये मुंबई है मेरे भाई, मुंबई। यहाँ हजारों पढ़े लिखे लोग जीवन भर फुटपाथ के ऊपर एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं। उन्हें जीवन में एक छोटा सा घर नसीब नहीं होता। तू सच ही कह रहा होगा यार, मगर यकीन कर मैं उन हजारों लाखों बदनसीब लोगों में से एक नहीं हूं। मेरा विश्वास कर, मैं दादाजी का सपना जरूर पूरा करूंगा। देखना, एक दिन ये सारा शहर मुझे सैल्यूट जरूर करेगा। चलता हूं, मगर फिर कहीं किसी रोज मुलाकात जरूर होगी। क्या हुआ, मिला तुम्हारा दोस्त? हाँ मिला तो सही, मगर शहर में आकर वो भी शहर वाला बन गया, एकदम अजनबी हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे यार, मेरी सारी उम्र इस मुंबई में गुजर गई, मैं आज तक इसके मोम्मे को नहीं समझ पाया था, तुम इतनी जल्दी कैसे समझ पाओगे? इसीलिए इसका नाम मुंबई है। इतना समझ लो कि यहाँ कुछ लोगों को फौरन मंजिल मिल जाती है और कुछ लोग सारी जिंदगी भटकते रहते हैं, उनकी और मंजिल की मुलाकात ही नहीं होती है। बहरहाल अब ये बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है, यहीं रहोगे या गाँव वापस जाओगे? गाँव तो वापस नहीं जा सकता। फिर क्या करोगे? पता नहीं। अरे पता नहीं कभी तो कुछ पता होता है कि नहीं? एक एहसान करोगे चाचा मुझ पर? हाँ, पैसे चाहिए? नहीं। फिर? जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता, मैं आपकी इस दुकान पे काम कर सकता हूँ? काम तो कर सकते हो, मगर पगार नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए। अरे पगार नहीं मिलेगी, इन्हें मुनाफा मिलेगा। जो कमाओगे आधा तुम्हारा आधा मेरा। बैठो, आज ये दुकान तुम्हारी, अच्छे से चलाना, मैं जरा मार्केट होकर आता हूँ। अल्लाह हाफिज। लौंडे, कल से तो फ्रूट के साथ हमारा माल भी बेचेगा। माल? कैसा माल? ड्रग्स। देखिए भैया, ये दुकान मेरी नहीं है, दुकान के मालिक अब्दुल चाचा बाहर गए हैं, मैं तो यहाँ सिर्फ काम करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा काम मेरा भी कर दे, दो चार सेब निकाल दे बढ़िया से।
लीजिए भाई साहब, 20 रुपए दे दीजिए। 20 रुपए? तो जानता है किससे पैसे मांग रहा है? मार मार के भुरता बना दूंगा, समझे? देखिए भाई साहब, चाचा समझेंगे मैंने उनके सिर्फ चुरा लिए हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे और भी लोगों से पैसे इकट्ठा करना है, दिमाग मत फिरा। देखिए भाई साहब, आप पैसे नहीं देंगे तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। नौकरी? तो तेरी नौकरी मैं पक्की करता हूँ। मुझसे पैसे और पैसे भाई, यही है वो सोनिया। पकड़ो इस लौंडिया को। देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। अरे आप लोग आइए ना, अरे बचाइए ना उसको। ए भाई, वो उसे मार देंगे। अरे देखो, अरे बचाओ ना आप उसको। अरे कोई तो आइए। सोनिया सही कहती है, ये पत्थरों का शहर है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता। लेकिन राजा, तुम्हें सोचना होगा, क्या तुम भी औरों की तरह सोनिया की मौत का तमाशा देखोगे? पहले की पुलिस आ जाए, जल्दी चल। मेरे दादू मुझे कानून का रखवाला बनाना चाहते थे, पर मैं मुजरिम बन गया हूं, हत्यारा बन गया हूं मैं। किसी का खून करने से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? दादू मुझे अपने पास बुला लो। दादू, कुछ नहीं किया है तुमने, अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता। मार देता तो अच्छा होता, ऐसे भी जिंदा रहकर क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ लिख कर ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। देखो, ये अपराध तुमने जानबूझकर नहीं किया है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुमसे गुनाह हो गया है, तो तुम्हारा ये गुनाह मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये खून तुमने मेरी वजह से किया है। उससे क्या होगा, मेरा अपराध खत्म हो जाएगा? अपने गुनाह की सजा तुम्हें दिलवाकर तो मैं और भी बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा।
अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। मैं गुनाहगार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप पुलिस को बुलाइए, मुझे अपने आप को कानून के हवाले करना है। देखो राजा, कहते हैं कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। हमारे पास रात भर का वक्त है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वाकई अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहिए, तो कल सुबह तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे कबूल करूंगी। प्लीज राजा, मेरी इतनी बात मान लो। राजेश शर्मा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब तक 55 ठोक चुका हूं। लोग कहते हैं कि राजेश शर्मा गोली पहले चलाता है, बाद बाद में करता है, इसलिए राजेश शर्मा का दूसरा नाम किलिंग मशीन है। इसलिए तुम्हें बुलाया है, एक एनकाउंटर और करना है। उसने मेरे भाई को मारा है। 12 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। जितनी जल्दी उसके मरने की खबर दोगे उतना ही एनकाउंटर का इनाम ज्यादा होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12:30 शार्प 12:30। समझ लो उसका मृत्यु योग शुरू हो गया। आप बेफिक्र होकर सो जाइए और उसकी मौत की खुशखबरी का इंतजार कीजिए। राजा, ये मेरा भाई है। आपका नाम? राजा, ये बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये? हाँ। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है इसी की खातिर किया है। यही मेरा सब कुछ है, मेरे जीने का मकसद। हेलो। हेलो सोनिया, मैं देशमुख बोल रहा हूँ। राजन नायक ने राजा की सुपारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा को दी है और वो तुम्हारे घर के लिए निकल चुका है। चलो जल्दी, हमें यहाँ से चलना है। मगर क्यों? तुम अपने आप को जिस कानून के हवाले करना चाहते हो वही कानून तुम्हारी जान लेने आ रहा है। लेकिन कानून तो हमारी रक्षा के लिए है, कानून हमारी जान क्यों लेगा? ये लेकिन वेकिन में तुम्हारी जान चली जाएगी। ये मुंबई है, यहाँ कानून के ढोल नहीं बजते, यहाँ पैसों और राजनीति के ढोल बजते हैं। चलो जल्दी चलो यहाँ से। पकड़ो उसे, जाओ, छोड़ना नहीं, जाओ। साले, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, बेबसी पर मेरी मुस्कुराते रहे। मेरी मासूमियत सहर पीती रही, जिंदगी हर कदम आजमाती रही। मैंने चाहा था क्या, तूने क्या दे दिया। मैंने चाहा था क्या, तूने क्या दे दिया। मेरी खातिर है क्यों तेरा ये फैसला, मेरे हालात ये क्या हुए हैं खुदा। इसको इतना मारो कि इसकी हालत जाकर सारा भैया मुंबई छोड़ने पर मजबूर हो जाए। क्या कर रहे हो राजा? हमारे पीछे पुलिस लगी है, हमारी जान को खतरा है। और यहाँ भी किसी की जान को खतरा है। हिंदुस्तान का हर राज्य हर हिंदुस्तानी का घर है, सबका खून एक जैसा लाल है, फिर आपस में इतनी घृणा क्यों? तू के बीच में आया, ये तेरा भाई है क्या? मैं तो हर हिंदुस्तानी को अपना भाई समझता हूँ, लेकिन जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? लगता है तू भी भैया है। कहाँ से आया, यूपी से या बिहार से? ए, हिंदुस्तान में 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियाँ और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। इसे ऐसे धर्म और जाति के नाम पर टुकड़ों में मत बांटो। ए भैया, ये भाषण किसी और जगह जाके देना, चल भोट यहाँ से। Oh,
मुझे गलती हो गई, माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। जितनी नफरत हमारे लिए तुम्हारे दिल में है, उससे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए हमारे सीने में है। कभी यूपी बिहार आकर देखना, मेहमान को भगवान समझते हैं हम, समझा? राजा, चलो उसे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा, तुम लोगों ने मुझे आज सुबह से रात तक बहुत भगाया, मगर जब एक बार राजेश शर्मा अपनी रिवॉल्वर लोड कर देता है तो फिर किसी की जान लिए बगैर वापस नहीं जाता। मैं भी भैया हूं, पर अफसोस आज इस गोली पर तेरा नाम लिखा है। बेवकूफ ने अपनी जान देकर तुझे बचा लिया, लेकिन इस रिवॉल्वर में और भी गोलियां हैं जिन पर तेरा ही नाम लिखा है। साले, मुझे मारेगा। सोनिया, चलो उठाओ इसे और यहाँ से जल्दी निकलो। नहीं राजा, हम दोनों का साथ जिंदगी की किताब में यही तक लिखा था। नहीं सोनिया, हम इसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। नहीं राजा, पुलिस आती ही होगी, इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब अगर मैं तुम्हें ना बचा पाई तो इसकी कुर्बानी भी बेकार जाएगी। चलो राजा, यहाँ से चलते हैं। छह महीने बाद तुम मुझसे मिलने आई हो, पिछले छह महीने से एक भी फोन तुमने मुझे नहीं किया। मौसी, ये राजा है। अच्छा है, राजा नाम है, अच्छा नाम है। राजा नाम है तो दिल का भी राजा ही होगा। अरे, जिसने मेरी सोनिया का दिल जीता है वो तो राजा ही होगा ना, है ना? नहीं मौसी, आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं। हम दोनों तो तेरी माँ जैसा सोचती थी बिल्कुल तुमने वैसा ही अपना जीवन साथी चुना है। भगवान करे तुम दोनों जीवन भर खुश रहो। आती हूँ। हुस्न का जादू चल गया, सीने से निकल कर दिल गया। चाहत का नशा है छा गया, होना है मुझे तुझ में फना। तेरे हुस्न का जादू चल गया, सीने से निकल कर दिल गया।
खुशबू जिस तरह तेरा इश्क है मेरी जिंदगी तेरा प्यार है मेरी हर खुशी दिल तेरा दीवाना हो गया हर गम से बेगाना हो गया तेरे हुस्न का जादू चल गया सीने से निकल कर दिल गया चाहत का नशा है छा गया होना है मुझे तुझ में फना तू जान से प्यारा हो गया जीने का सहारा हो गया तू रब से भी प्यारा हो गया तू इश्क हमारा हो गया तू जान से प्यारा हो गया जीने मिस्टर रोहित राघव इस राजा नाम के लड़के का चार्ज हम आपको सौंपते हैं इसने हमारे डिपार्टमेंट के होनहार पुलिस ऑफिसर की जान ही नहीं ली बल्कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया अगर इसके बढ़ते कदमों को ना रोका गया तो आने वाले कल में यह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा आप मुझ पर भरोसा कीजिए सर रोहित राघव जिस क्रिमिनल की फाइल अपने हाथ में लेता है उस क्रिमिनल को भागने के लिए जमीन और आसमान भी कम पड़ जाते हैं आई विल अरेस्ट हिम विद इन 48 आवर्स सर नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव इंडिया आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि राजा नाम का गुंडा जो कई पुलिस वालों को मारने के बाद फरार हो चुका है उसे अरेस्ट करने का चार्ज इंस्पेक्टर रोहित राघव को दिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से राजा और उस लड़की सोनिया का फोटो जारी किया गया है जिसके साथ राजा फरार हुआ है और पब्लिक से अनुरोध किया गया है कि जब भी वे इनको कहीं भी देखें तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें 9892017 चलो राजा सोनिया अरे तुम लोग टीवी बंद करके कहाँ जा रहे हो मौसी हमें अभी जाना है बस ये समझ लो कि अभी निकलना है मगर जल्दी वापस आएंगे हुँ? अरे ऐसे कैसे चली जाओगी कुछ दिन और रुकना चाहिए ना नहीं मौसी अभी हम चलते हैं फिर आएंगे मौसी बस जल्दी आएंगे अभी हमें कहीं पहुंचना है लेकिन तुम मुझे ये कहां लेकर आई हो बस यही एक जगह है जहां हमें मदद मिल सकती है स्वागतम स्वागत है आपका मुझे मालूम था सोनिया कि तुम मेरे ही पास आओगी क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तो लोग बाबा कदम के पास ही आते हैं इसीलिए तो बाबा कदम को लोग प्रॉब्लम शूटर कहते हैं दुख हरता है सोनिया ये वही लड़का है ना जिसने राजन नायक के भाई और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा को टपकाया है देखिए मैं उसका खून नहीं करना चाहता था जो कुछ हुआ वो एक हादसा था अगर मैं उसे नहीं मारता तो शायद आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं खड़ा होता बचपन से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरी मदद की है आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ हम दोनों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है ना 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 सोनिया ऐसा नहीं बोलते देखो सहारा तो उस ऊपर वाले का है भगवान का मैं तो उसका एक अदना सा भक्त हूं अब लोगों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है लेकिन आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं सोनिया देखो तुम मेरे लिए काम करती हो अगर तुम्हें कोई समस्या थी तो सीधा मेरे पास आना चाहिए था तुम्हें मालूम है ये राजन जिसके भाई को इसने मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है अच्छा चलो एक बार सोच लो कि मार भी दिया तो तुम लोगों को सीधा मेरे पास आना चाहिए था मैं किसी से कुछ बात करता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती थी है? अब जो कुछ भी करना है आप ही को करना है बाबा वरना हमें पुलिस मार देगी या फिर राजन मार देगा कोई किसी को नहीं मारता
इन्होंने भी किसी को नहीं मारा। जिंदगी लेना जिंदगी देना सब भगवान का काम है। हम तो बस माध्यम हैं। राजन भाई माफ कर दो बच्चे को। नहीं हरगिज नहीं। उन दोनों को मेरे चैंबूर वाले बंगले में लेके आओ। आइए पधारिए। स्वागतम। राजन भाई। क्या बात है। बहुत तड़प रहे थे ना इससे मिलने के लिए। ये लो। तो तू है राजा। नहीं राजन भाई क्रोध नहीं। कबीर दास ने कहा है कि क्रोध विनाश का कारण होता है। वैसे भी अड़का यूपी का भैया है, अपनी राजनीति में इसका उपयोग करो, बहुत काम आएगा है। भाई मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, बस पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं मुंबई में किसी का खून करने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहां अपने सपने पूरे करने के लिए आया था। लेकिन मैंने अपना भाई गवाया है और हमारे धंधे का उसूल है जान के बदले जान। और भाई मेरा उसूल है कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरों को तो क्या अपने आप को भी बेच सकता हूँ। लोग मुझसे कहते थे कि तुम जालिम हो, भूले भाले लोगों को जहर बेचकर उन्हें मौत से पहले ही मार देते हो। लेकिन आज पता चला कि तुम जालिम ही नहीं शैतान भी हो। लानत है तुम पर। बिल्कुल ठीक कहा लड़की तूने। मैं शैतान हूँ पर तुम क्या हो है? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पाटिल होकर भिखारी के साथ मुंह काला करती फिर रही हो तुम। मेरे लिए वो एक इंसान है जिसे मैं प्यार करती हूँ। प्यार। इन दोनों को यहाँ लाने के लिए तुम्हें गोरेगांव तक का एरिया देता हूँ। फैलाओ अपनी बीमारी, ऐश करो। ठीक है राजन भाई, मिलता हूँ। ओम शांति ओम। राजा भाई देखो, अगर जिंदा रहे तो बाबा कदम की एक बात हमेशा गांठ बांध लेना। इस जमाने में अपने साए पर भी एतबार मत करना। जय महाराष्ट्र। ठहरो राजन, अगर तुम्हें जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। तुम्हारे भाई से झगड़ा मैंने शुरू किया था, ये तो वैसे ही बीच में आ गया, इसे जाने दो। जान तो मुझे तुम दोनों की ही चाहिए, लेकिन तुम चाहते हो तो मैं एक कंडीशन पर तुम दोनों को छोड़ सकता हूं। राजा को खाद्य मंत्री संजय श्रीवास्तव को मानना होगा। ये भी भैया वो भी भैया, काम आसानी से हो जाएगा। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम यही रहोगी। सोच लो, मैं तुम्हें 15 सेकंड देता हूं। 15 सेकंड जाया करने की कोई जरूरत नहीं है राजन, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं सोनिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं राजा, ये तुम क्या कर रहे हो। नहीं सोनिया, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से कोई यूटर्न नहीं होता। मगर राजन भाई मुझे इसकी गारंटी चाहिए कि सोनिया यहाँ सेफ है। राजन नायक जो बोला सो बोला, अब तुम सोनिया की नहीं संजय श्रीवास्तव की चिंता करो। और सोनिया जिस कमरे में बंद होगी उसकी चाबी तुम्हारे पास होगी। ए, सुन, अगर तुम्हारी गोली संजय नारायण श्रीवास्तव पर नहीं चली तो हमारी गोली तुम पर जरूर चलेगी, और राजन भाई की सोनिया पर। अब तुम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, चल जा।
देखिए हम तो एक ही बात जानते हैं कि जितना डाकुओं का वोट बैंक है वो तो हमारे पास ही आएगा। जी नमस्ते। नमस्कार, कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? जी हम गोरखपुर से आए हैं। तो संजय बाबू के पड़ोसी हैं, संजय बाबू से मिलना है। हाँ, तो उनके गांव के हो जी, उनसे मिलना चाहते हो। संजू जी अंदर बैठे हैं, लेकिन उसके पहले सिक्योरिटी है, इसका तामझाम कंप्लीट कर लेना। हाँ? जी ठीक। तो हम कह रहे थे कि वोट बैंक जो है जाधवों का हमले में आया ही आया। देशभक्ति तो गांधी जी के साथ चली गई हुजूर, अब तो सिर्फ राजनीति होती है। राजनीति, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। संसद भवन का नाम बदलकर सब्जी मंडी रख देना चाहिए। सब ऐसे चिल्लाते हैं जैसे आलू टमाटर बेच रहे हो। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं सीधा हरिद्वार चले जाऊं, लेकिन अपने उत्तर भारतीयों की प्रेम की वजह से, उनकी सेवा के लिए मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं। हाँ। अरे नाम मत लीजिए उस कमीने दया माथुर का, एक नंबर का रिश्वत खोर है। ऐसे लोगों की वजह से पॉलिटिक्स का नाम बदनाम होता है। ऐसे लोगों की वजह से उत्तर भारतीयों के नाम पर धब्बा है। उत्तर भारतीय नफरत करते हैं उस दया माथुर से। जी हाँ, सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री कुलकर्णी का चमचा है, चमचा। और सुनिए, महाराष्ट्र के 1 करोड़ उत्तर भारतीय सब मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ। ठीक है, जैसे ही सभा का आयोजन हो जाएगा आप मुझे सूचित कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए क्या काम है आपको मुझसे? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। गांधी जी को मारते समय नाथुराम गोडसे के सामने क्या मजबूरी रही होगी? अजीब प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप यहां तक चलकर आए हैं। मुझे मालूम नहीं नाथुराम गोडसे के सामने क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। आप अपनी हत्या के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे मारने से, मेरी जान लेने से अगर तुम्हें किसी तरह का लाभ होता हो तो मैं एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार, 100 बार। लेकिन मुझे मारने से पहले मेरी हत्या का उद्देश्य मुझे बता दो। राजन भाई, अगर मैंने आपको नहीं मारा तो वो मुझे और मेरी प्रेमिका को मार डालेगा। जानता हूं आप उत्तर भारतीयों के प्रिय नेता हैं, मैं भी उत्तर भारतीय हूं, मगर अफसोस मेरे सामने आपको मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हें अपने ऊपर गोली चलाने से नहीं रोकूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आज तुमने राजन पर विश्वास किया तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मुझे मारने के बाद राजन तुम्हें और तुम्हारी प्रेमिका को भी मार डालेगा। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मारो मुझे। हमने लेटर बना दिया। मारो मुझे। चलाओ गोली, चलाओ ना, मारो मुझे। मैं तुम्हारी मनोस्थिति को समझ सकता हूं। जाओ जाओ, जाकर कह दो कि तुमने मुझे मार दिया। थोड़ी ही देर में सारे शहर में मेरे मरने की खबर फैल चुकी होगी, और फिर तुम्हें राजन की असलियत का भी पता चल जाएगा। जाओ। लगता है गेम बच गया। फोन लगा भाई को।
भाई संजय श्रीवास्तव का काम हो गया। उस राजा का भी गेम बचा दो। ओके भाई। भाग्या साला। मैं ठीक हूँ। चलो चलो चलो। राजा, 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 कोई आवाज़ दे। अरे इधर आओ, गाड़ी में बैठो। अरे संजय साहब, आओ, आओ, आओ बैठो। मुझे मालूम था कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आ गया। थैंक यू। ये मेरी प्रेमिका है, सोनिया पाटिल। नमस्ते। नमस्ते। अब आप दोनों मेरे साथ। किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। संजय श्रीवास्तव को मारने की झूठी खबर, फिर मेरे आदमियों को भी जान से मार दिया। राजा ने मेरे सीने पर वार किया है। कालिया, तुम्हारा काम आज तक 100% रहा है। आज तक जो भी मैटर तुमने अपने हाथ में लिया उसे हमेशा पूरा किया, और अगर आज तुमने ये काम पूरा कर दिया तो तुम अंडरवर्ल्ड के उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जिस पर पहुंचने का सपना तुमने हमेशा देखा है। भाई आप ही कृपा से यह शेखर कालिया बना है। इस कालिया के राशन कार्ड में कितने खून दर्ज हो चुके हैं ये खुद मुझे भी नहीं मालूम। आदमी का नाम पता बता दीजिए, कल शाम होने से पहले वो भी रन आउट हो जाएगा। ये क्या हुआ? अपने दोस्त का फोटो देखकर घबरा गए? भाई मैं इसको बचपन से जानता हूं, ये किसी का खून कर ही नहीं सकता, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। इसी ने 24 घंटे में 10 खून किए हैं। इसी ने मेरे भाई को मारा है और इसी ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश शर्मा को मारा है। क्या सोच रहा है कालिया? याद है वो दिन जब तू इस धंधे में आया था और मैंने तुझे समझाया कि राजनीति और अंडरवर्ल्ड में एक उसूल है छोटा सा, यहां कोई दोस्त नहीं होता। मां बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इन रिश्तों का कोई महत्व तो नहीं है। भूल जाओ इन रिश्ते नातों को, और अगर तुम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो इसे खत्म करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। और आज से माहिम से गोरेगांव तक ड्रग सप्लाई करने का धंधा तुम्हारा। सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। अब से उसकी जिंदगी का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। घड़ी देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर वो मारा जाएगा। श्रीवास्तव साहब, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद कहूं। अरे धन्यवाद की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आप मेरी कार में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, पुलिस भी चेकपोस्ट पर इसे रोकेगी नहीं। और हाँ, मेरा ड्राइवर आपको सही सलामत मेरे फार्म हाउस पर ले आएगा। सर मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। ये क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी?
सर, सामने राजन का शूटर कालिया खड़ा है, कहो तो गाड़ी दूसरे रास्ते से निकाल लूं। अरे कौन सा शूटर, कैसा शूटर, ये तो अपना दोस्त शेखर है। अरे सर क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, अरे अपने दोस्त शेखर से मिलने जा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अरे शेखर तू, अरे शेखर तू यहाँ, अरे शेखर मेरे यार, ये क्या है, अरे वॉचमैन की नौकरी छोड़कर अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है क्या, चला गले लग जा। आज तुम्हें मुझे नहीं मौत को गले लगाना है। मेरा नाम कालिया है और कालिया का मतलब मौत। मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस आदमी को गोली लगी है, ये पुलिस केस है। पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए, फिर मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। ए डॉक्टर, अगर ये मर गया तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगी। कुछ भी करो, इसकी जान जल्दी बचाओ। उसके बाद तुम जहाँ कहोगे मैं रिपोर्ट दर्ज करा दूंगी। ठीक है, ले चलो इसे ऑपरेशन थिएटर में। सरकार, मैंने तो सिर्फ उसकी जान बचाई थी। मैं जानता हूं किसी की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है। आपने राजा की जान बचाई, ठीक है, जिस तरह आपने अपना फर्ज पूरा किया उसी तरह पुलिस को भी अपना फर्ज पूरा करना पड़ता है। आप शायद मुझे नहीं जानते, मेरे सामने इंसान तो क्या पत्थर भी बोलने लगते हैं। फैसला आपको करना होगा, जल्दी बोलने में ही आपकी भलाई है। बोलिए राजा कहाँ? एक लड़की उसे जख्मी हालत में यहाँ लेकर आई थी और वही लड़की एक गाड़ी में उसे यहाँ से लेकर गई, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं मालूम। जो लोग मौत से जिंदगी छीन लेते हैं वो दुनिया में भगवान कहलाते हैं। जिंदगी उनसे बहुत कुछ करवाना चाहती। देखो तुम इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। क्या करवाना चाहती है ये जिंदगी मुझसे, यही तो मैं जानना चाहता हूं।
एक हत्यारा बनाकर रख दिया है मुझे इस जिंदगी ने, अब और क्या? गलत, बिल्कुल गलत। तुम हत्यारे नहीं हो, तुम देशभक्त हो, देशभक्त। तुमने पापियों की हत्या की, और पापियों की हत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य होता है। तुमने किसी बेगुनाह का खून नहीं किया। लेकिन इस तरह छुप छुप कर कैसे जिएंगे हम? जब तक राजन नायक और कुलकर्णी जैसे नेता जिंदा हैं, ये लोग उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कुलकर्णी का हाथ राजन नायक जैसे लोगों के सर पर है। वोटों के हिसाब से देखा जाए तो किसी उत्तर भारतीय को इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं के रहते हम लोगों का मुंबई शहर में आम भारतीयों की तरह रहना भी मुश्किल हो गया है। हर रोज किसी सभा में हमारे खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि ये राजनीति सब कुछ छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे मेरे बहन भाई, मेरे उत्तर भारतीयों का ख्याल आता है कि मेरे बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, उन्हें देखने वाला कौन होगा। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को बीच चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए, जिंदा, जो हिंदुस्तान के टुकड़े कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। तब कसम गंगा मैया की, मैं इन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा। देखो तुम जोश में होश नहीं खोना। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम अपनी और सोनिया की जिंदगी के बारे में सोचो, और राजा भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर। इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। हेलो सोनिया। हाँ देशमुख, बोलो। आज नागेश कुलकर्णी होटल पेनिनसुला ग्रैंड का मुहूर्त करने जा रहा है। वहाँ आज शाम को 4 बजे फिल्म अभिनेत्री किम शर्मा परफॉर्म करने वाली है। होटल पेनिनसुला ग्रैंड शाम 4 बजे। जाने दे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि उप मुख्यमंत्री नागेश कुलकर्णी की रहस्यमय हत्या से पूरे शहर में हंगामा हो रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है और उनके समर्थकों ने कई जगहों पर आग भी लगा दी। उप मुख्यमंत्री की इस हत्या के बाद विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और पुलिस हत्यारे का सुराग लगाने में अभी तक नाकाम रही। राजा, राजा तुम देखो, तुम बार बार अपनी जिंदगी इस तरह से जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम मेरे उत्तर भारत के हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम सोनिया को अपने साथ लेकर कहीं दूर चले जाओ और एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। राजा, ये मेरी लड़ाई, मैं उत्तर भारतीयों के लिए लड़ूंगा और इसमें कहीं मेरी जान भी चली जाए ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने उत्तर भारतीयों के लिए लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं उत्तर भारतीय नहीं हूँ क्या? नहीं, तुम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते ये लड़ाई, क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। राजा, सोनिया को एक अच्छी जिंदगी देना तुम्हारा फर्ज है और मेरा कौन है? कौन है मेरा? न बीवी है, न बच्चे हैं। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, बहन भाई सब उत्तर भारतीय ही, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उनकी खुशहाली चाहिए। मेरा जीना, मेरा मरना सब मेरे उत्तर भारतीयों के साथ है। आज एक बहुत ही जरूरी पार्टी मीटिंग है जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को चुना जाएगा, और जहां तक मुझे लगता है कि चुनाव दया माथुर का ही होगा, क्योंकि वो कुलकर्णी और सीएम का चमचा है, उत्तर भारतीयों का नेता बनकर उन्हें ही बेच रहा है। और राजा, जानते हो, मुझे लगता है कि शायद आज मैं इस्तीफा दे ही दूंगा, क्योंकि ये गद्दार के हाथों मैं उत्तर भारतीयों को बिकता हुआ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। और मैं दुबई से डी बोल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है तेरे राज में? तुम जानते हो कितने पैसे और कितनी मेहनत करके हमने तुमको मुख्यमंत्री और कुलकर्णी को उप मुख्यमंत्री बनाया था? कुलकर्णी की मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं तुम्हें केंद्र में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम निकम्मे थे और निकम्मे ही रहोगे। लेकिन भाई, वो बोलने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें अभी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर वो राजा नाम का लड़का नहीं पकड़ा गया तो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार रहना तुम, समझे? समझ में आ रही है मेरी बात? आप घबराइए मत साहब, एक बार मुझे उप मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद तो मैं राजा को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, क्यों ना? बरोबर सांगितला। कितनी भी कोशिश करोगे मगर राजा को नहीं ढूंढ पाओगे। उसका पता सिर्फ मैं बता सकता हूँ। जल्दी बोलो, कहाँ है वो? उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी होगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे वादा किया है। तुम चुप रहो, उप मुख्यमंत्री तुम तब बनोगे ना जब मेरी कुर्सी सलामत रहेगी। अभी तो मुझे मेरी कुर्सी की फिक्र है। कहाँ है वो? मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी 2 नंबर की कमाई का 25% माथुर को देना होगा। मंजूर है? बोलो। मंजूर है। देखिए सर, महाराष्ट्र में 1 करोड़ उत्तर भारतीय है। अगर मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बना, सबके सब सड़क पर उतर आएंगे और सबको लेके मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। देखिए, बकवास मत करो, तुम्हें गृह मंत्रालय दिया जाता है, उसमें भी 2 नंबर की कमाई उप मुख्यमंत्री से कम नहीं है। चलो ठीक है, इस बात पे श्रीवास्तव जी से हाथ मिला लेते हैं। आइए, गले भी लगी है। गुड, ये हुई ना बात। अब मुख्यमंत्री जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो जो कुलकर्णी की सीट खाली हुई उससे मैं चुनाव लड़ लूं। हमने खून पसीना बहाकर आपको जिताया है। ठीक है,
लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे राजा हर हालत में जिंदा या मुर्दा चाहिए। हाँ? श्रीवास्तव भाई अब तो बता दो राजा है कहाँ? हैं? कहाँ है वो, ताकि हम अपने आदमी भेजकर उसका खेल खत्म कर दें। आपकी वजह से वो अब तक बचा हुआ है। अब ये गलत इल्जाम तो मुझ पर मत लगाइए। मुझे आज ही पता चला है वो फिल्म स्टार इमरान खान के फार्म हाउस पर छिपा हुआ है। किसी ने ठीक ही कहा है कि नेता और सांप का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त डस ले। क्या हुआ राजा? ओह गॉड, अब क्या होगा राजा? आज पता चला कि नेता का ना कोई धर्म होता है ना ही कोई जाति। वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि हम जैसे गरीबों को बेवकूफ बनाकर लड़वा सकता है, मरवा सकता है। उत्तर भारतीयों को इंसाफ दिलाने और देशभक्ति के नाम पर मेरा इस्तेमाल किया गया। आज पता चला कि सबसे बड़ा देशद्रोही ये संजय श्रीवास्तव ही है। कसम गंगा मैया की, अब ये संजय मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कालिया, मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया है, कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी। मैं एक भैया हूं और इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि एक भैया ही दूसरे भैया को मार सकता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहा लोहे को काटता है। तुम राजा को मार डालो, मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा, 10 करोड़ रुपए भी दूंगा, सारी जिंदगी ऐश करना। आप चिंता मत करें साहब, आपका काम हो जाएगा। कालिया, मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए किडनैप करवाया था और आज तक सबसे बचा कर रखा था। बाबा का धाम। कालिया राजा को मार देगा और तुम कालिया को खत्म कर दो। 1 साल तक पुलिस तुमसे हफ्ता नहीं लेगी, तुम्हारे किसी भी आदमी को गिरफ्तार नहीं करेगी। अरे वाह श्रीवास्तव साहब, वाह, क्या राजनीति खेली है आपने। अब आप यूं समझो कि कालिया का गेम खत्म। अब आप अपनी राजनीति में मस्त रहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मधुर, ये राजा का जो भी चैप्टर है हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। कोई भी सबूत बचा तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तुम ऐसा करो कि इंस्पेक्टर रोहित राघव को भेजो और बाबा कदम उसे खत्म करवा दो। देखिए साहब, ये बाबा कदम भाई के लिए काम करता है, आप एक बार फिर सोच लीजिए, इस खेल में गड़बड़ ना हो जाए। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर रोहित। जी सर। देखो, अभी अभी ऐसी खबर मिली है कि राजा, कालिया और बाबा कदम जोगेश्वरी के किसी इलाके में मीटिंग करने वाले हैं। जी। आज के दिन किसी भी हालत में वो बचने नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर। आज इनमें से कोई भी मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? रोहित, फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत करो, फौरन वहां जाओ और अपनी ड्यूटी करो। यस सर। मधु सर, कहीं रोहित को हम पर शक तो नहीं हो गया? शक हुआ तो हुआ, सस्पेंड कर देंगे साले को। मैंने जिंदगी में क्या कुछ सोचा था और क्या हो गया। मेरे दादाजी की आत्मा मुझे कोसती होगी कि मैंने उनका सपना पूरा नहीं किया।
मेरे पिताजी सच कहते थे, मैं उनके नाम को बदनाम कर दूंगा। वो सही थे, मैं गलत। ऐसा मत कहो राजा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राजा, नहीं। कुछ ठीक नहीं होगा। आओ शेखर, आज दूसरी बार तुम मुझे मारने के लिए आए हो। पुलिस के हाथों कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है दोस्त के हाथों मरने। चला गोली और दे दे मुझे मुक्ति इस जीवन से। सोच क्या रहा है शेखर, चला गोली। नहीं कालिया, तुम मेरे जीते जी राजा को नहीं मार सकते। सोनिया, तुम्हें मेरी कसम, तुम बीच में नहीं आओगी। मुझे माफ कर देना यार, अमीर बनने की भूख ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि मैं ये भी भूल गया था कि दोस्ती निभाने का मतलब क्या होता है। लेकिन अब ये जान तेरी है राजा, और तेरे लिए जाएगी राजा। ये राजनेता, ये साले किसी के नहीं, ये अपने फायदे के लिए ने राजा किसी भी किसी स्तर तक जा सकते हैं। ये राजन और श्रीवास्तव दोनों ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे कसम है अपने गांव की मिट्टी की राजा, अब तेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वाह वाह, क्या दोस्ती है, क्या डायलॉग है, क्या वादा है। लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं, लेकिन आज मैं एक गोली से तीन जाने लूंगा। हमारे धंधे का उसूल है कि यहां हर आदमी के पीछे एक आदमी निगरानी के लिए रहता ही है। कालिया का वार नहीं चला तो क्या हुआ, बाबा कदम की गोली जरूर चलेगी। अरे बाबा, साला तेरी नहीं शेखर, इस साले ने मुझे बेचा था। चला गोली बाबा। ले राजा, आज तुम्हारी भी हसरत पूरी कर देता हूं। अभी भी यहां से निकले हैं। तुम इन लाशों का पंचनामा करो, मुझे नहीं लगता ये लोग ज्यादा दूर मर्डर करके भागे होंगे। ठीक है साहब, मैं जाकर देखता हूं। चल शेखर। आओ उतर। सोनिया तुम यहीं इंतजार करना। अरे यार, इतने हथियार, अरे कब से छुपा के रखे थे। ध्यान से देख ले, ये तो एक से एक हथियार है यार। देख राजा, अब इन तेज द्रोहियों को खत्म करना है, चाहे हम मरे या बचे। कसम गंगा मैया की शेखर, अब कोई भी देशद्रोही नहीं बचेगा। अब तो मुंबई की जमीन को पवित्र करके ही हरिद्वार स्नान करने जाएंगे। सोनिया पाटिल,
राजा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ले चलो इसे। राजा जहां भी है अपने आप मेरे पास आ जाएगा। ले चलो। चलो मैडम। ए, गेट खोल। बंद करो। अब एक एक देशद्रोही को चुन चुन के मारना होगा शेखर। जीवन में जो सोचना है वही करना है। ये कहां गई? अरे सोनिया, सोनिया, सोनिया कहां गई? सोनिया। हाँ देशमुख, बोल, कुछ पता चला? राजा, इंस्पेक्टर रोहित ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया है और वो आज ही उसका एनकाउंटर करने जा रहा है। देख इंस्पेक्टर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सोनिया को छोड़ दे। ओ दो टके के गुंडे, भौंकने से पहले ये भूल गया कि कानून हर मुजरिम का दुश्मन होता है। तुझे क्या हुआ? राजा से भिखारी बन गया जो मुझसे भीख मांग रहा है? अरे हिम्मत है तो आकर लेके जा अपनी मां। इंस्पेक्टर, मेरा नाम राजकुमार सिंह यादव है और यादव सिर्फ राजा होता है, भिखारी कभी नहीं बनता। मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, सोनिया को छोड़ दे। तेरी बकवास खत्म। अब मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर तूने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तेरी सोनिया को भरे बाजार में ले जाकर एनकाउंटर कर दूंगा। हे पागल अड़ियल इंस्पेक्टर, बात सुन ली तेरी कबाली। तू शायद जानता नहीं, मैं सोनिया के लिए एक नहीं हजार खून कर सकता हूँ। तू साला खलास। नहीं राजा, इसको यहां नहीं, कार पार्किंग में ठोके गए। आओ फिर सर। राजा तो उधर देख। ठीक है। करने जा रहे थे वो मेरे पति हैं। तुम ये सब करने आए थे मुंबई? ये सब खून खराबा करने आए थे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? हाँ, लोगों की जाने लेते हो, खूनी दरिंदे हो तुम। ये सब करने के पहले तुम मर क्यों नहीं गए? तुम ठीक कहती हो नेहा, मैं भी भगवान से रोज यही पूछता हूँ कि मैं मर क्यों नहीं गया। मगर तुम जानती हो कि मैं मुंबई खूनी बनने नहीं आया था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आकर कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बन जाऊंगा। वो मुझसे खेलते रहेंगे और देखते ही देखते मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाऊंगा। रोहित साहब, हर रोज लाखों हजारों फूल खिलते हैं, मगर कोई भी फूल अपनी मर्जी से किसी की अर्थी पर चढ़ने के लिए नहीं खिलता।
नेहा तुम्हें शादी मुबारक हो। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे सकता, मगर अपनी जान जरूर दे सकता हूं। रोहित साहब लो ये गन और मार दो मुझे गोली। राजा रुक जा, ऐसी गलती मत कर, ये इंस्पेक्टर ना तुमको मार डालेगा। मार डालेगा तो मार डाले, अब जी कर भी क्या करूंगा जब अपनों की ही नजरों में गिर गया। अब ऐसे साले ज्यादा ही इमोशनल मत हो, चल निकल यहां से। मरवाए काम का पीछे, चल चल यहां से, चल निकल। रोहित राजा की मदद करो, वो बेकसूर है। नीचे उतरो, जाओ तुम आजाद हो। आप तो मेरा एनकाउंटर करने वाले थे ना। देखो राजा से कहना कि जो कुछ हुआ सो हुआ, कानून को अपने हाथों में ना ले, मैं उसकी मदद करूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। बोल। नाम बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी आवाज अच्छी तरह पहचानते हो। आदमी जात को जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना, वो बड़ी मुश्किल से छूटती है, और मुझे ऐसो आराम की आदत पड़ चुकी है राजन भाई। मैं एक शर्त पर आपको राजा का पता बता सकता हूं, अगर तुम मुझे 5 करोड़ रुपए और दुबई का टिकट दे दो। ठीक है, उसका पता बता दो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। तो फिर ध्यान से सुन लो भैया, अब से 45 मिनट बाद राजा लोखंड वाला सिनेमैक्स पर सोनिया से मिलने जा रहा है। कालिया का फोन था, राजा सोनिया से मिलने लोखंड वाला सिनेमैक्स जा रहा है। हो सकता है ये मुझे फंसाने के लिए उन लोगों की चाल हो, अगर ये सच है तो राजा और सोनिया की लाश लेकर आओ, और अगर झूठ है तो नजराने के तौर पर कालिया की लाश लेकर आओ। जाओ। राजा तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो, राजन से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सकते। और मेरी नजर में तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता राजन। बेवकूफ, अपने सारे आदमियों को भेज दिया, अब मुझसे कौन बचाएगा तुझे? तू खलास राजन। राजा कालिया, आता काय करूं, काय करूं मैं, यहां से भी मारेगा, यहां से भी मारेगा। कालिया तेरी बातों में आकर अपने दोस्त से एक बार गद्दारी कर सकता है, बार बार नहीं, समझी? लो लो आ गई। Go!
तुमने कहा था कि तुम मुझे वहां मारोगे जहां पानी भी नहीं होगा, मगर मैं आज तुम्हें पानी पिला पिला कर मारूंगा। नहीं राजा, नहीं। इनसे मेरा बड़ा हिसाब किताब बाकी है, इनसे मैं निपटूंगा। शेखर, साला एक देशद्रोही खत्म। शेखर, ये क्या किया तुमने? मेरे दोस्त, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। राजा, मेरे भाई, हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, लेकिन देख, मेरे काम के लोगों को बताना मैं अच्छा काम करके मरा, और एक वादा कर, हाँ, इन तीस द्रोहियों को मार कर तो हिंदुस्तान की धरती को पवित्र करेगा। हाँ करूंगा, हाँ जरूर करूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। राजा, तू मुझे छोड़ के मत जा। शेखर, मैं हूँ, मैं शेखर, 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 मुझे कसम है तुम्हारी, जब तक मैं इन देशद्रोहियों को मार कर हिंदुस्तान की जमीन को पवित्र ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे श्रीवास्तव जी, एक एक सांस के लिए तरसा तरसा कर मारा है राजन को। हाँ, वो हम पर हमला करेगा, उसे किसी भी तरह से खत्म करना होगा। अरे नहीं श्रीवास्तव जी, डर के मारे मैंने सुबह से सेट सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया है। हाँ, आप भी अपने लिए सख्त इंतजाम करवाइएगा। राजा मरेगा उसी वक्त, उसी दिन मैं सीधा तिरुपति जाकर अपना सर मुंडवा लूंगा। इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, राजा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, समझे? क्या हो रहा है यार? अरे भैया, वो राइट से आगे निकाल। ए, गाड़ी साइड में कर, साइड में कर, दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ, गाड़ी साइड से चला। हाँ सर। हे, गाड़ी को रास्ते में क्यों लगाया? गाड़ी बंद हो गई साहब। साहब को जाना है? हाँ साहब। अरे क्या हुआ, जल्दी कर। कोशिश तो कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोशिश तो कर रहा हूँ। जल्दी स्टार्ट कर। माथुर, तू साला खत्म। माथुर सर, माथुर सर, क्या हुआ? ये तीन सितारे जो आपके कंधे पर सम्मानित हैं, इन्हें पहनने का हक सिर्फ देश की पुलिस और देश की सेना को है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इन्हें नहीं पहन सकते। बहुत इज्जत कर रहे हैं आप इनकी,
बहुत इज्जत कर रहे हैं। देश के हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही और आप लोग अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम भी अब सोच लिया हूं, अगर राजा नाम का यह गुंडा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये वर्दी तुम्हारे शरीर पर नहीं होगी, समझे? ये वर्दी आपकी दी हुई भीख नहीं है सर। हाँ, आप जरूर मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, आगे बोलिए। कल शहर में कर्फ्यू लगवा दीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि कल 15 अगस्त है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कल हमें भाषण देने क्रांति मैदान जाना है और वो गुंडा न जाने कहां से हमला करते, और आप तो हमें बचा नहीं पाएंगे। शहर में कर्फ्यू होगा तो आम जनता भी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएगी। हमें अपनी जान की हिफाजत करनी है, अपनी जान की हिफाजत, भले ही उसके लिए पब्लिक को परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। और ये गरीब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हर रोज पैदा होते हैं, इनके जीने मरने से देश को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कर्फ्यू लगाने के लिए कोई कारण होना चाहिए सर। अब ये कारण भी हमें ही आपको बताना पड़ेगा। आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी हज्जाम की दुकान में जाइए, बाहर जाइए और दो चार भाइयों का एनकाउंटर कीजिए और उसका इल्जाम मराठियों पर डालिए। उसके बाद अपने आप शहर में दंगा फसाद हो जाएगा और उसके बाद सारे शहर में खुद ही कर्फ्यू लग जाएगा। शायद ये पहला 15 अगस्त होगा जब झंडा तो फहराया जाएगा लेकिन आजाद देश की जनता गुलामों की तरह अपने घरों में कैद होगी। कोई परेशानी की बात तो नहीं है इंस्पेक्टर? नो सर, सब ठीक ठाक है सर। इत्मीनान से काम ले, संजय जी सबको इंटरव्यू देंगे। हाँ, आई 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 प्लीज। आइए। मेरे प्रदेश के वासियों, मुझे बड़ा ही अफसोस है कि आज आप सब लोग मेरा भाषण सुनने के लिए यहां पर नहीं आ सके। कल रात शहर के कई हिस्सों में दंगा हुआ जिसकी वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आपस में झगड़ा ना करें। ये राजा नाम का गुंडा एक आतंकवादी है, देशद्रोही है। पुलिस ने इस गुंडे के नाम पर शूट एट साइट का ऑर्डर निकाल दिया है। अगर ये गुंडा आप लोगों को कहीं भी नजर आए, इसे मार मार कर खत्म कर दीजिए। इस गुंडे ने चारों तरफ आतंक और हिंसा फैला रखा है। सर, इसने तो आपकी किरकिरी कर दी सर। नहीं श्रीवास्तव, जनता को मुझे नहीं तो जैसे पापी को खत्म करना चाहिए। इस दुनिया के सबसे बड़े पापी तुम हो, इसलिए तुम्हें खत्म करना हमारा कर्तव्य है। सिपाहियों, ढूंढ डालो इस देशद्रोही को। हाँ, चलाओ गोली, मगर देख लो तुम सब लोग भी मेरे साथ मारे जाओगे। कोई 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 गोली नहीं चलाएगा वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। कोई गोली नहीं चलाएगा। श्रीवास्तव, सबसे बड़े गद्दार और देशद्रोही तुम जैसे राजनेता हैं, जो अपने फायदे और कुर्सी के लिए हम जैसे गरीबों को उत्तर भारतीय और पश्चिम भारतीय बनाकर आपस में लड़ाते हैं। श्रीवास्तव, तू शायद भूल गया कि बापू महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, वीर सावरकर, शिवाजी मराठे, बाबा साहब अंबेडकर जैसे महापुरुषों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम उत्तर भारतीय हैं या पश्चिम भारतीय। सबने एक ही बात कही कि हम सब एक हैं, भारत एक है। अरे इस दुष्ट को रोको। कोई बंदूक के नीचे फेंको।
अरे फेंको बंदूक फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। आज आजादी का दिन है और तू इस देश का सच्चा राजनेता, जिसके लिए हम जैसे गरीब लोग अपना खून तक बहा देते हैं। चल आज राष्ट्रीय गीत सुना। सुना नहीं तो बटन दबा दूंगा। सर सुना दीजिए, नहीं तो बटन दबा देगा सर। प्लीज प्लीज सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं सर, समथिंग रॉन्ग सर, ये राष्ट्रीय गान नहीं है सर। चलिए पीए साहब, तो आप ही सुना दीजिए। जन गण मन अधि नायक, सीधे खड़े होकर सुना, ये राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन अधि नायक, जय है भारत भाग्य सारे जहां से अच्छा। इंदो सता हमारा, अब बुलबुले है, बुलबुले सर, बटन दबा देगा बुलबुले सर। आप सब लोग तो राजनेता हैं, चलिए आप लोगों में से ही कोई सुना दीजिए, मैं आप सब लोगों को छोड़ दूंगा। बुलबुले सर। देखिए, जिस देश को चलाने का ठेका इन लोगों ने लिया हुआ है, उस देश का राष्ट्रीय गान इन्हें याद नहीं है। हाँ ये जरूर याद है कि एक बार कुर्सी मिल जाए बस फिर इस देश को लूट लेना है, इस देश की भोली भाली जनता को आपस में लड़वाना है। देशद्रोही मैं नहीं, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं। चल इस देश की जनता को अपनी सारी असलियत बता और अपने गुनाह कबूल कर। कबूल कर लीजिए सर, नहीं तो बटन दबा देगा सर। प्लीज कबूल कर। नहीं नहीं नहीं, बटन नहीं दबाना, मैं कबूल करता हूँ। मैं आप सब लोगों के सामने कबूल करता हूं कि मैंने आप सब लोगों को आपस में लड़वा कर आज शहर में कर्फ्यू लगवाया है। मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजा जैसे नेक इंसान को एक आतंकवादी बनाया। मैं कबूल करता हूं कि यह सब कुछ मैंने किया, मैंने। हाँ। सर माथुर और कुलकर्णी को भी तो आप ही ने मरवाया था सर, कह दीजिए सबको, नहीं तो बटन दबा देगा। प्लीज बोल। मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि कुलकर्णी और माथुर को भी मैंने ही मरवाया था। मैं कबूल करता हूँ। ये देख श्रीवास्तव, ये बम नहीं खिलौना है। साले श्रीवास्तव भाग साले। इंस्पेक्टर राघव, मुझे 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 उस गुंडे से बचाओ, ये आदमी मुझे जान से मार देगा, मुझे बचाओ इंस्पेक्टर राघव, मुझे। ए, मुझे बचाओ वरना मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा दूंगा, बचाओ। मैं अपनी वर्दी तो उतार सकता हूँ लेकिन तुझ जैसे देशद्रोही को मैं बचाऊंगा नहीं। अगर हमारी ये पुलिस तुझ जैसे नेताओं को बचाने लगी तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। Oh!
ये लीजिए रोहित साहब, मेरा काम खत्म हुआ, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैं कल शायद इस डिपार्टमेंट में रहूं या ना रहूं, मगर तुमने जो अच्छा काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें सल्यूट करता हूं। कि लोग तुझे सल्यूट कर रहे हैं। तालियां मत बजाइए, मैंने कोई बहादुरी का काम नहीं किया। मैं मुजरिम हूं, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए।